रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने आज 02805 विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एसी स्पेशल ट्रेन से 11 पैकेट में रखा। लगभग 9 लाख रुपए कीमत का 89 किलो 5 ग्राम गांजा जब्त कर 6 रेल यात्रियों को गिरफ्तार किया है। ट्रेन में गश्त के दौरान आरपीएफ जवानों ने गांजा तस्करी के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों में उड़ीसा निवासी राजेंद्र मंडल, संक्रांति सिवान निवासी संजू कुमार सिंह, गौतम बुद्ध नगर निवासी हरपाल सिंह, सहारन बिहार निवासी कंचन कुमार राय, गोरखपुर निवासी करीम मोहम्मद कुरैशी और सिकरी निवासी सद्दाम अलाउद्दीन हुसैन का समावेश है। आरपीएफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रपुर आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक एनपी सिंह के आदेश पर प्रवीण कुमार गुर्जर और कृष्ण कुमार मीना विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एसी स्पेशल ट्रेन में नागपुर तक गश्त लगा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर राजेंद्र मंडल, संजय कुमार सिंह, हरपाल सिंह और कंचन कुमार राय के सामान पर पड़ी। संदेह होने पर इन बैग की तलाशी लेने पर इनमें गांजे के पैकेट नजर आए। पूछताछ करने पर गांजे का पता चला। तुरंत ही सभी आरोपियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। हम लोग जो है कॉन्ट्रैबैंड गुड्स के खिलाफ एक स्पेशल टीम बनाया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नागपुर डिवीजन में। इसी मामले में चंद्रपुर की स्टाफ दो कृष्ण कुमार और प्रवीण कुमार गुर्जर दोनों चंद्रपुर से नागपुर आ रहा था। इसमें विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली जाने वाली एपी एक्सप्रेस में आ रहा था। उसी समय पे 6 आरोपियों को पकड़ा था हमारा स्टाफ ने और उनके साथ जो 11 बैग है वो चेक किया तो उसमें कम से कम 90 किलो का गांजा मिला था। और उनको खबर देने पे नागपुर इंस्पेक्टर, चंद्रपुर इंस्पेक्टर और क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर नागपुर रेलवे स्टेशन में मौजूद हुआ। गाड़ी आने पे आरोपियों को गांजा को उतारा, उसके बाद जो है पंचनामा लिख के सीज किया और आरोपियों को अरेस्ट किया। ये लोगों को आगे कार्रवाई के लिए जीआरपी नागपुर को हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। ये जो पिछले 15 दिनों में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नागपुर वाले कम से कम 12 लोगों को पकड़ा था गांजा ले जाते समय पे और उनका कीमत था 16 लाख रुपया। और ये जो स्पेशल ड्राइव है हमारा सीनियर डीसी नागपुर साहब आशुतोष पांडे सर का निर्देशक मुताबिक चल रहा है और ये स्पेशल ड्राइव है हम लोग लगातार चलाएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।